हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कन्नड़ सीखे? आज हम लोग कन्नड़ के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। कौन सा? फल दुकान में जब हम लोग फ्रूट्स खरीदने जाते हैं तो कैसे बातें करेंगे। फल तो खाना ही चाहिए, खरीदना भी है, लेकिन थोड़ी समस्या हो जाती है। तो आज के बाद फल खरीदने में कोई समस्या नहीं होगी। आज हम लोग कन्नड़ में जानेंगे कैसे हम लोग को फल खरीदना है, फलों के नाम क्या हैं, उसे मरमुलाई, उसे बार्गेनिंग कैसी करनी है। ठीक है, आज हम लोग सब इस वीडियो में जानेंगे। फ्रेंड्स, कन्नड़ कन्नड़ा जो कहिए, वाकई में नाम कन्नड़ है। अंग्रेजी में बोलते हुए बहुत लोग कन्नड़ा कन्नड़ा बोलते हैं, तो इस तरह के सवाल कन्नड़ कहेंगे मैडम, कन्नड़ा कहेंगे मैडम, तो इस तरह के पेचीदे सवाल में जो है ना मत फंसिए, कन्नड़ सीखिए। ठीक है, चलिए। अब तक तो हम लोग अच्छी तरह से जान गए हैं कि दो और लो को क्या बोलते हैं। दो को बोलते हैं कोड़ू और लो को बोलते हैं तगो। इस चीज को जान गए तो फ्रेंड्स, ये तो आप जान ही रहे कि मेरी मातृभाषा भी कन्नड़ नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन शब्दों को जानना है, और इन शब्दों को जानने के बाद वीडियो के आखिर में हम लोग देखेंगे कि यदि एक कन्नड़ व्यक्ति बोलेगा तो किस तरह से इसका प्रोनाउंस करेगा, तो हम लोग उसे भी सीखेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी ध्वनियां ऐसी होती हैं जो हिंदी में नहीं होती हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग दो के लिए यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं कोड़ू शब्द का, ठीक है ना, कोड़ू। लेकिन जब कन्नड़ व्यक्ति बोलता है तो आप ऐसा नहीं सोचते कोड़ू बोल रहा है कि कुड़ू बोल रहा है ना, वो कुड़ू बोलेगा ना कोड़ बोलेगा, कुड़ू ऐसा बोलेगा कुड़ू। तो हमें उस चीज को ध्यान से सुनना पड़ता है, और साथ ही साथ फिर हमें वैसे ही प्रयोग करना है। फ्रेंड्स, कहा भी गया है ना, कोस कोस पर पानी बदले डेढ़ कोस पर वाणी। मतलब क्या है, दो पग जाएंगे तो वहां पे भाषा बदल जाती है, उनका प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उन शब्दों को जानिए और वहां के लोग किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे कर रहे हैं, उसका उच्चारण कैसे कर रहे हैं, हमें उसको ध्यान रखना है। ठीक है ना, अब हर चीज जो है ना हम लोग किताब से वीडियो से नहीं सीख सकते। हमें कब सीखना है, किससे? जो हमारे सामने वाला व्यक्ति है, हमें उससे सीखना है। और ये सब जो बातें हैं ये बेस की बातें हैं, बस केवल हमें ध्यान से थोड़ा जान लेना है। लेकिन जो कन्नड़ व्यक्ति बोलता है उसका उच्चारण को ध्यान से सुनिए, वो कुड़ू बोलता है कि कोड़ू बोलता है कि कुड़ू बोलता है, वो कैसे बोलता है, फिर आप भी उसी को फॉलो करने की कोशिश करिए। यहाँ पर बस मैं बताती हूँ कि कोड़ू कहते हैं, दो को कोड़ू कहते हैं, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है थोड़ा दूसरा रहेगा, कुड़ू ऐसे बोलेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब तक हम लोग कोई भी सामान जब खरीदने जाना है तो उसमें दो और लो की भूमिका तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहेगी। तो कोड़ू दो हम लोग जान गए इस चीज को, ठीक है ना। और यदि कोई बड़ा है, कोई बुजुर्ग है, तो हम लोग दीजिए बोलते हैं ना। कोई भी बड़ा बुजुर्ग जब रहेगा तो उसे तो दीजिए बोलेंगे, ठीक है। तो उस समय हम लोग बोलते हैं कोड़ी, ठीक है, इस चीज को याद रखिए। साथ ही साथ तगो, तगो के लिए लो, है ना, तगो लो के लिए। और यदि कोई बड़ा हुआ तो तगोड़ी, मतलब लीजिए, लीजिए बोलना हुआ तो लीजिए, लीजिए के लिए तगोड़ी। तो इस चीज को तो हमें याद रखना है, ठीक है ना, कोड़ू तगो, कोड़ी तगोड़ी, ठीक है ना। इस चीज को हमें याद रखना है, दो और लो। अब इसके बाद कोई भी सामान दो और लो तो हो गया। अब हमें जानना है कि कोई भी चीज, मान लीजिए फ्रूट्स का नाम हमें पता नहीं है, तो फ्रूट्स को दिखा के बोलते हैं ना, कैसे दोगे, कैसे दिए, कैसे दिए को जानना पड़ेगा ना। कैसे दिए को बोलते हैं हेगे दिए, ठीक है। देखिए कैसे दिए को हेगे दिए, हेगे दिए, कैसे दिए, ठीक है, कैसे दिए मतलब हेगे दिए। ऐसा करते हैं ना कि सबसे पहले कुछ फ्रूट्स के नाम जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो और मजा आएगा। करें क्या? चलिए देखिए, जैसे सबसे पहले फल, फल को क्या बोलते हैं, फल को बोलते हैं हन्नू, फल को बोलते हैं हन्नू, हन्नू मतलब कोई पका फल, ठीक है ना, फल मतलब पका फल। उसी प्रकार यदि कोई कच्चा फल है, सब्जी वाली वीडियो में बताई हुई, यदि कोई कच्चा होगा तो कच्चा फल को बोलते हैं काई, काई कच्चा फल, हन्नू पका फल, फल के लिए, ठीक है। ये हुआ केला सबसे पहले, ठीक है, बहुत मजा आता है ना खाने में केला, केला को बोलते हैं बाल हन्नू, बाल हन्नू, बाल हन्नू। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और चीज, ये बा ला, ला का उच्चारण जो है यहाँ पे हमारे जो तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयाली में एक अलग ध्वनि होती है, जो ल भी नहीं है और अड़ा भी नहीं है,
देखिए जब हम लोग ला बोलते हैं ला ला, तो हमारा जो जीभ है वो ऊपरी तलवा के दांत के पास चिपकता है, ला ला बोल के देखिए, ठीक है। उसी प्रकार जब अड़ा बोलते हैं अड़ा अड़ा, तो हमारा जो जीभ है ऊपरी तलवा के पिछले भाग में जाकर के चिपकता है अड़ा। लेकिन एक और ध्वनि होती है अड़ा अड़ा, मतलब जब जीभ है उसको जस्ट ऊपर में जाकर टच करना है अड़ा, मतलब ला भी नहीं अड़ा भी नहीं अड़ा अड़ा बीच में, ठीक है। इसको थोड़ा सा कोशिश करिए, यहाँ पे इसका उच्चारण जो है ना बालहन्नु बालहन्नु, तो उसका हिंदी में बहुत जगह देखेंगे इस तरह से लिखा रहता है, इस तरह का चिन्ह रहता है। हिंदी में इसका प्रयोग नहीं करते हैं लेकिन यहाँ पे कन्नड़ में इसका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इस ध्वनि को हमें ध्यान से सुनना है और सीखने की कोशिश करना है, ठीक है ना। मैं भी सीख रही हूँ। तो जब हम लोग केला बोलेंगे तो केला को बोलते हैं बालहन्नु, ठीक है, केला। तो उसमें जो है ना ओ वाला ला आता है, ये सिंपल एल वाला ला को मत समझिएगा, बालहन्नु ए वाला ला, ठीक है ना। बालहन्नु मतलब केला। अब सेव एप्पल, एप्पल को क्या बोलते हैं, सबसे आसान जो हमारे हिंदी में भी बोलते हैं सेबु, सेबु मतलब सेब। अमरूद ग्वावा, अमरूद को बोलते हैं सी बहनु, सी बहनु, हन्नु मतलब तो फली हो गया, सी बहनु मतलब अमरूद। पपीता देखते हैं, पपीता पपाया जिसे बोलते हैं ना, पपाया उसे बोलते हैं परंगी हन्नु, ठीक है। देखिए परंगी हन्नु पपाया। नाशपाती, ठीक है ना, नाशपाती को नाशपाती ही कहते हैं, इसे याद करने की आवश्यकता नाशपाती, इसे याद करने की आवश्यकता नहीं है, नाशपाती नाशपाती। अब संतरा, संतरा संतरा ऑरेंज इसे बोलते हैं, वहीं पे ये वाला लो फिर आ गया, ठीक है। कितने हन्नु, लास्ट में हमें जो मैडम है ना वो फिर हमें बता देंगी कि किस तरह से इसका प्रयोग करना है, ठीक है, इस ध्वनि का प्रयोग कैसे करना है। कितने हन्नु एक तरह से लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए के आई टी टी ई एल ई, कितले हन्नु, ठीक है, कितले हन्नु पे ला हुआ लेकिन पूरा ला भी नहीं है, कितले हन्नु कितले ला, ठीक है ना, कितले हन्नु मतलब संतरा। अब अंगूर को क्या कहते हैं जाने, संस्कृत में क्या कहते हैं पहले बताइए, द्राक्षा मालूम है ना, तो बस वही कहते हैं। कन्नड़ में भी कहते हैं द्राक्षी मतलब अंगूर, ग्रेप्स। जामुन, जामुन को याद करने की आवश्यकता नहीं है, जामुन ही कहते हैं, जामुन को जामुन कहते हैं, ठीक है ना। नारियल, नारियल तो जानना ही पड़ेगा भाई, जब साउथ इंडिया में आ रहे हैं तो बिना चटनी खाए तो काम बनेगा नहीं, तो नारियल तो जानना ही पड़ेगा। नारियल को कहते हैं तेलिंगकाया, नारियल को तेंगिनकाया, तेंगिनकाया, तेंगिनकाया नारियल। कोकोनट उसे बोलते हैं तेंगिनकाया, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं अनानास, अनानास को याद नहीं करना है, इसे अनानास ही कहते हैं, ठीक है। फिर आगे देखें, याद नहीं करने मन कर रहा है, चलो याद नहीं करेंगे। मौसम्बी, मौसम्बी को भी कहते हैं मौसम्बी, याद नहीं करना है, अनानास को याद नहीं करना है, मौसम्बी को याद नहीं करना है, नाशपाती को याद नहीं करना है, ठीक है। चलिए चीकू, चीकू तो अच्छा लगता है ना, चीकू, चीकू को बोलते हैं सपोटा, चीकू को बोलते हैं सपोटा, सपोटा तेलुगु में बोलते हैं ना, हाँ कन्नड़ में भी सपोटा ही कहते हैं, सपोटा चीकू। अगला, अगला है दालिम्बे हनु, किसे कहते हैं, अनार को, पॉमग्रेनेट को क्या कहते हैं, दालिम्बे हनु, वही वाला ला देखे फिर वहां पे आ गया, ठीक है, दालिम्बे हनु, दालिम्बे हनु मतलब क्या हुआ, अनार, ठीक है, दालिम्बे हनु। तो यहाँ पे ए वाला जो ला है ना, ये नल्ला है नड़ा है, इसके बीच की ध्वनि है, ठीक है ना, दालिम्बे हनु मतलब अनार, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब हमें बोलना है कि सेव कैसे दिए, एप्पल खाने का मूड कर रहा है तो क्या बोलते हैं, सेव कैसे दिए, सेबु, ये तो मालूम चल गया, कैसे दिए के लिए क्या बताई थी, हेगे दिए, हेगे दिए,
हैगे दिए कैसे दिए, सेबू हैगे दिए मतलब एप्पल कैसे दिए मतलब कैसे दे रहे हो भाई बताओ इसको, ठीक है। यदि हमें बोलना है कि जल्दी करो जल्दी करो यदि किसी को, तो फिर क्या बोलेंगे जल्दी के लिए, बेगम आड़ो बेगम आड़ो। मान लीजिए दुकान वाला इधर उधर कर रहा है जल्दी नहीं दे रहा है, हमें बोलना है जल्दी करो तो क्या बोलेंगे बेगम आड़ो बेगम आड़ो जल्दी किए। यदि हमें बोलना है कितना हुआ कितना हुआ पूरा लेने के बाद टोटल, तो क्या बोलेंगे एस्टायतु 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 कितने हुए एस्टायतु कितने हुए, ठीक है ना। यदि मान लीजिए हमें मूड है सेब लेने के लिए, ठीक है ना, लेकिन वहां पे सेब है ही नहीं एप्पल है ही नहीं दिख ही नहीं रहा है, तो फिर क्या बोलेंगे नहीं है क्या, कुछ ना जानना है ना, नहीं है क्या नहीं है क्या नहीं है क्या के लिए बोलते हैं हम लोग नहीं है क्या, इल्बा 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 नहीं है क्या। किसी फल के साथ सेब इल्बा मतलब सेब नहीं है क्या, ठीक है ना। द्राक्षिल्बा इसका मतलब क्या हुआ बताइए, द्राक्षिल्बा का मतलब क्या हुआ, मैं नहीं बताऊंगी कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, यदि हमें कहना है थोड़ा कम करो, रेट बहुत ज्यादा हो गया, मन तो कर रहा है बहुत खरीदें लेकिन क्या करें इतना कॉस्टली है खरीदने का मन नहीं हो रहा, तो हमें बोलना है कि पहले बोलते हैं ज्यादा दाम बता रहे हो, ठीक है ना। यदि बोलना है ज्यादा दाम बता रहे हो तो क्या बोलेंगे जास्ती, ज्यादा के लिए जास्ती जास्ती बेले इल्ती दिया जास्ती बेले इल्ती दिया, ठीक है ना। जास्ती बेले इल्ती दिया मतलब ज्यादा दाम बता रहे हो, इल्ती दिया एल देखिए इसको कैसे बोलेंगे इल्ती दिया। देखिए फ्रेंड्स निश्चित रूप से प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग होगा, तो वीडियो के आखिर में आप बहुत ध्यान से प्रोनाउंसिएशन को सुनिए और वैसे बोलने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ यदि कोई आपका कन्नड़ मित्र है या कहीं जाते हैं कोई कन्नड़ में बातें करता है तो उसे फॉलो करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो जास्ती बेले इल्ती दिया मतलब क्या हुआ, ज्यादा दाम बता रहे हो थोड़ा कम करो। यदि हमें बोलना है थोड़ा कम करो थोड़ा कम करो, थोड़ा के लिए क्या बताई थी स्वल्प, अब तक आपको याद हो गया होगा स्वल्पा मतलब थोड़ा कम करो। फिर कड़ी में मारो कड़ी में मारो स्वल्पा कड़ी में मारो स्वल्पा कड़ी में मारो थोड़ा कम करो, ठीक है ना। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स कड़ी में मारो थोड़ा कम करो स्वल्पा कड़ी में मारो थोड़ा कम करो, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है ना हमें फल दुकान में किस तरह से बातें करनी है कैसे बातें करनी है, तो इस छोटे से वीडियो में जो है ना हम लोग आसानी से जान गए होंगे। और ज्यादा ज्यादा फल खरीद के लाना है, ज्यादा ज्यादा खाना है, ज्यादा हेल्दी होना है, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। ज्यादा दाम बता रहे हो जास्ती बड़े एलती दिया कुछ नहीं ये नहीं इल्ला।